जस्टिव देख रहे हो तुसी, मैं के पी सिंह टू द पॉइंट में सब का स्वागत करता। किसान अंदोलन विदेशों तो हमायत लगातार मिल रही है, हुण जिहड़ी हमायत मिली है उस हमायत ते तूफान मच गया। ये हमायत जदों पॉप स्टार रिहाना ने दी, इस तों अलावा होर कई स्टार है, मैं बहुत वड्डी लिस्ट है मेरे कोले जिन्हां दे नाम मैं गिना भी नहीं सकता, पर रिहाना ने जदों ये हमायत दी उस तों बाद सोशल मीडिया ते हड़ जिहा आ गया। हड़ इहो जिहा आया कि बॉलीवुड भी इस मैदान विच कूद चुक्या। हैशटैग दिते जा रहे तरह तरह के, इस तों अलावा जिहड़े जवाब दिते जा रहे हैं वो समझ तो बाहर है कि इहो जिहे जवाब दिते जाने चाहिए कि नहीं चाहिए। पर जो भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दिता उस जवाब के अपने अपने मायने ने, तो उन्होंने मायने को समझने की जरूरत हैगी है। इससे घमसान मचा होया, तो सवाल एक ही पूछा, विदेशी बयान से घमसान क्यों? वड़ा सवाल एक पूछा जाएगा इस डिबेट में। वड़ा सवाल असं यह पूछा, किसान अंदोलन विदेशी हमायत से एम ई ए ने कि ताकत दिखाई? इस सवाल पर बहस होगी। पैनल साडा मौजूद है, उन्होंने तारुफ करा रहे हैं फटाफट। मानिक गोयल सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट ने, तो मानिक गोयल वो चेहरा है जिन्हों का अकाउंट विद हेल्ड कर दिता गया, इसलिए इन्होंने सद्या से किसान अंदोलन सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मानिक गोयल बहुत स्वागत है तुम्हारा। खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी, सत श्रीकाल जी। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के बुलारे ने, तो ये खुद बीजेपी के आई टी सैल के विचाले इन्हों की बहुत वड्डी भूमिका रही है। तो खेमचंद शर्मा हरा इस करके सद्या क्योंकि सारा कुछ आई टी के जरिए हो रहा, तो ट्रोल आर्मी जरिए हो रहा। खेमचंद शर्मा संबंधी जी कोशिश करा। खेमचंद शर्मा थोड़ा बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अर्शप्रीत सिंह पंजाब यूथ कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन ने, तो पेशे तो वकील है, तो पंजाब यूथ कांग्रेस के बुलारे होने के नाल सोशल मीडिया बारे भी चंगी तरह पता, इस करके कांग्रेस ने इन्हों भेजा साढ़े को। अर्शप्रीत सिंह थोड़ा बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। राजीव गदारा स्वराज इंडिया के हरियाणा के इंचार्ज है, पर यह भी सोशल मीडिया से बहुत एक्टिव रहिंदे आ, ते एक्टिव होने के नाल नाल जय किसान अंदोलन के नाल जुड़े हुए हैं। तो जो जय किसान अंदोलन की गल हुंदी है तो फिर जो प्रतिक्रम संयुक्त किसान मोर्चा हुंदा, जो स्वागत करते विदेशी हमायत का, फिर राजीव गदारा तो सवाल पूछने लाजमी हो जाते हैं, इस करके सद्या। राजीव गदारा तुहाडा बहुत स्वागत है सर, यह भी पेशे तो वकील ने। सब तो पहला सवाल खेमचंद शर्मा तुहानू करना चाहूँगा। खेमचंद शर्मा विदेशों तो हमायत मिल रही है, सवाल वखरा हो सकता, पर जिस तरीके ने ट्रोल आर्मी इन्हों लोगों इन्हों शख्शीतों ट्वीट करती पी है, तो पदी पदी शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा, मैं इतने बोल भी नहीं सकता गा, वो क्यों किया जा रहा? खेमचंद शर्मा कोई तरीका भी होता आर्गूमेंट का? देखिए सबसे बड़ा विषय क्या है, किसान का मुद्दा है और किसान के मुद्दे पे चर्चा प्रचर्चा होनी चाहिए, और 11 राउंड की बात आपने देखा हो चुकी है ऑलरेडी, और अधिकतर किसान, मैं फिर कहता हूँ अधिकतर किसान इन, खेमचंद शर्मा जी आप पॉइंट पे आइए सर, पॉइंट पे आइए। डेली डिबेट होती है सर इस विषय पे, 11 बैठकों में की होया सर, मैं खुद कवर किया सारा कुछ। खेमचंद शर्मा आप पॉइंट पे आइए सर, फॉरन स्पोर्ट है वो पॉइंट है सर, आप बोलने का मौका देंगे तो पॉइंट पे आऊंगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव बैकग्राउंड रखना भी जरूरी है। खेमचंद शर्मा जी प्लीज खेमचंद शर्मा जी अपने तरीके ना डिबेट ना चलाओ प्लीज, आप पॉइंट पे आइए ना सर, आप टाइम वेस्ट करेंगे सर, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। सुनिए समय वेस्ट हो रहा नहीं, तो देखिए विषय है किसानों का और किसान के विषय पे चर्चा प्रचर्चा हो रही है, सार्थक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कुछ लोग किसानों के विरोध का सारा लेके हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ सरकार को नहीं, वो हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, लगातार झूठी इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, और विदेशों में कुछ सो कॉल सेलिब्रिटी का सहारा लेके भी हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, आप देखेंगे ऐसे ऐसे लोग भी ट्वीट कर रहे हैं जिनका किसानों से कोई लेना देना नहीं। मियां खलीफा, अरे भाई उसका किसानों से क्या लेना देना, ऐसे रिहाना उसका किसानों से क्या लेना देना, हम सभी जानते हैं कि उनको किस तरीके से किसान ने अपने खेत में से भगाया था। मियां खलीफा किस तरीके का करैक्टर है, क्या वो हमारे किसानों की भलाई की बात करेंगे क्या? वैसे ही हजारों की संख्या में ट्रोल अकाउंट बने गए, फेक अकाउंट बनाए गए, और वो अकाउंट सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज फैलाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से इसमें जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नेता भी शामिल हैं, राहुल गांधी तक के ट्वीट ऐसे हैं जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। वैसे ही कुछ मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर, वो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में लगे हुए हैं। आज पूरे देश ने दिखा दिया कि इंडिया जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ है, प्रोपोगेंडा के खिलाफ है, इंडिया टुगेदर है। आज पूरी इंडिया ने, जिसमें सेलिब्रिटी भी है, जिसमें आम लोग भी हैं, जिसमें आप कहेंगे पॉलिटिकल लीडर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, किसान भी है, सबने एक साथ आके दिखाया कि किसानों के से बातचीत करना हमारा इंटरनल मैटर है, करेंगे करते रहेंगे,
लेकिन इन चीजों का सारा लेके हमारे यहाँ पे आप असामाजिक तत्वों को इंट्रोड्यूस करोगे या उनके थ्रू असामाजिक गतिविधियां कराओगे, देश को बदनाम करने की कोशिश करोगे, इधर उधर के ट्वीट करके ठीक ठीक इन्फॉर्मेशन फैलाओगे, उसको सहन नहीं किया जाएगा। खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, चलो तुम इस बहाने ये तो एडमिट कर लेना, एक किसान है, खालिस्तानी नहीं है, ये अपने या बगाने नहीं है, ये तो एडमिट कर लेना, इसे बहाने एडमिट कर ले। चलो हमारी पार्टी ने भी कभी नहीं कहा खालिस्तानी, हमने कहा खालिस्तानी किसान आंदोलन में घुस गए, ये कभी किसी ने नहीं कहा कि सारे किसान खालिस्तानी है। अरे भैया ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे पंजाब के जवान बॉर्डर पे जाके हमारे बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं हम लोग। चलो और आपने देखा, चलो खेमचंद जी, खेमचंद जी, मैं स्वागत करता सर तुहाडे इस बयान दा, तुहाडे बयान दा स्वागत करता सर। पहली बारी बीजेपी है तो मन्नी भी इन्हां दे पुत आ जिहड़े सरहदां ते बैठे होए आ। मैं आ रहा वापस आऊंगा तुहाडे कोले। अर्शप्रीत सिंह, अर्शप्रीत सिंह, तुहाडे ते इल्जाम लाए जा रहे हैं, तुहाडे ते इल्जाम यह लाया जा रहा है कि ना रिहाना नूं कुछ पता ते ना राहुल गांधी नूं कुछ पता, जवाब दो अर्शप्रीत। अर्शप्रीत मेरी आवाज आ रही तुहाडे तक? फिर सवाल किया जाता है कि विरोधियों को सवाल क्यों पूछते हो तुम, विरोधियों को जो सवाल अभी पूछते उनका जवाब ही नहीं आ रहा है, मेरा कहा नैट की दिक्कत होनी है। मानी गोयल, मानी गोयल, ये जो थोड़े नाल होया अकाउंट विद हेल्ट, खेमचंद शर्मा जी कह रहे असी कदे नहीं किया इन्हों खालिस्तानी, कदे नहीं किया असी, साढ़े देश के आपदे है। तो मानी गोयल तुम लगातार ये ट्वीट करते रहने हो कि साडा विरोध करते हैं, बीजेपी ट्रोल आर्मी लगी हुई है, संघ की ट्रोल आर्मी लगी हुई है, तुम बहुत सारे सवाल करते मानी गोयल, अज तक खेमचंद ने ऑन एयर किया भी नहीं हो जाए कुछ साढ़े अपने बंदे है। देखो जी, मैं भी किसी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन तो पहली बार सुन रहा भी वह इदा कह रहे हैं भी ये असी कदे नहीं कहा भी किसान खालिस्तानी है, अदरवाइज इन्हों का प्रोपेगेंडा पूरी आई टी टीम का प्रोपेगेंडा पहले दिन तो यही रहा जो तो किसान बॉर्डर मतलब जी जी हाँ मानिक बोलो बोलो मानिक नाल भी सड़क कनैक्शन नहीं जुड़ पा रहा, मैं वापस आऊंगा मानिक तुहाडे कोले। अर्शप्रीत, तुहाडे तक जे मेरी आवाज पहुंच रही है तां? हाँ जी, हाँ जी मेरे को आ रही है। हाँ हाँ मानिक, तुसीं अपनी गल रख सकदे हो, अर्शप्रीत वापस आऊंगा तुहाडे कोले। हाँ जी, मैं तो पहली बार सुन रहा भी इन्हों ने इदा कहा भी ये खालिस्तानी नहीं, पर जिहड़ा इन्हों का पूरा आई टी विंग है, पूरा इन्हों के जिहड़े सपोर्टर ने जिदा इन्होंने अजकल कंगना मूहरे लाया हुआ है, वह भी खुल के कह रही है भी खालिस्तानी ने, बाकी होर भी खुल के कहते हैं भी खालिस्तानी है, तो बदनाम करते हैं पहले दिन तो किसानों बदनाम कर रहे हैं। तो जेड़े भी तुसी एक गल देखो भी जेड़े भी अकाउंट जेड़े भी इंडिविजुअल्स किसानी अंदोलन सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वह सुशांत सिंह आ, चाहे वह साडा डायरेक्ट टू ट्विटर अकाउंट है, चाहे वह मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है, ते चाहे होर जिहड़ा प्रो पीपल मीडिया है लाइक कैरवा, ओहो जे किन्ने अकाउंटा के खिलाफ इन्होंने लीगल कार्रवाई करने लई ट्विटर नूं दित्ता बहाना, चाहे कोई भी बनाया गया, पर वो एक किसानां दे जिहड़े सपोर्टर ने उन्हां दी आवाज दबण की कोशिश की गई, उन्हां दे अकाउंट बंद करा के अज दुबारा फिर कल ट्विटर ने अकाउंट चलाते, अज दुबारा फिर सरकार वालों स्टेटमेंट गई है कि ट्विटर नूं कि तुसीं बिना पुछे साडे तों क्यों यह अकाउंट खोलिया, थोड़े ते यह दुबारा एक्शन लिया जाएगा। तुसीं आप सोचो भी जिहड़े हुण इंडिविजुअल्स नूं मतलब इन्नी माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे आ, ते जिहड़े इंडिविजुअल्स भी ने ओह जिहड़े सपोर्टर ने उन्हां दे अकाउंट मतलब कोई भी बहाना ला के तुसीं ये हैशटैग चलाया फलाना चलाया उन्हां नूं बंद कर रहे आ, तां किन्नी वधिया गल है। ठीक है मानिक, वापस आऊंगा, डेमोक्रेसी च होना चाहीदा है। ठीक ठीक है मानिक, वापस आऊंगा। अर्शप्रीत, जे तुहाडे तक मेरी आवाज़ पहुंचदी पई आ, मैं सवाल कीता सीगा कि बीजेपी दे लीडर ये कहिंदे आ कि ना राहुल गांधी नूं कुछ पता ना रिहाना नूं कुछ पता। देखो जी, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट मिस्टर गांधी हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्नड टू हेल्प द फार्मर्स ऑफ इंडिया। उन्होंने आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसके विच क्लियरली किया कि किसान अपने हक दी अपने अन्न दी ते अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, एंड वो किसान जो तुसी कहने सी जय जवान जय किसान, वो किसान आज टोटली टेररिस्ट हो गए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंडेम्ड the farmers of India, they have called them terrorists, Khalistanis and whatnot without any proof, without any evidence. The worst part is ki jai jawan jai kisan di gal karde hoye tusi 60% of the population of India nu tusi terrorist keh rahe ho. The worst part jehda article 19 hai of United Nations Development of Human Rights, it has been violated because internet shutdown hoya,
ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋਈ ICCPR ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ, ਰਿਹਾਨਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ, ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੈਨਬਰਗ, ਜੌਨ ਕਸੈਕ ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਰ ਦੈਨ 1 lakh ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਾਈਨਡ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਇਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਵੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸਰ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸਰ, ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਸਪੀਡੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਫੋਰਨ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਰਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਘਮਸਾਨ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ। MEA ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ MEA ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ? ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ MEA ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ? ਅਰਜੀਵ ਦਾਰਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਿਤਾਈ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਪਿਓ। KP ਜੀ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੇ ਦਰਦ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੇ ਸਰੋਕਾਰ ਕੋ ਸਮਝੇ ਤੋ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਕੋਨੇ ਮੇ ਕਿਸੀ ਵਰਗ ਕੇ ਸਾਥ ਅਨਿਆਇ ਹੋ ਰਹਾ ਹੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਨਿਆਇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਟਰਨਲ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਨਿਆਇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਕਸ਼ ਵੀ ਲਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੇਮਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ BJP ਵੀ ਆਪਦੇ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਕਿ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ BJP ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮੁਖੀ ਸੰਗਠਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ IT ਸੈੱਲ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਹੋਰ ਟ੍ਰੋਲ ਆਰਮੀ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੰਡ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਅਵਿਵਸਥਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ, ਲੋਕੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਪੈਨੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਰਸ਼ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਰਸ਼ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ 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 ਅਰਸ਼ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋਇਆ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਖੇਮ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਖੇਮ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ ਅਰਸ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਆਰਟੀਕਲ 14 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, Article 19 which is freedom of speech and expression, freedom to movement, freedom to protest peacefully. Dekho jadon tear gas shells fire hoye hai,
अपने कुछ दिन पहला अर्शप्रीत जी एक मिनट सुन लो ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਸਰ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਗਾ ਦੌਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ 1 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਅਜੈਂਡਾ ਫॉर ਟੁਡੇਜ਼ ਬੀਜੇਪੀਸ ਐਕਟਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਣ ਲਾਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਆਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ That is not the concern at hand. Two wrongs would never make one, right? So let's talk about this one wrong. तुसी मानते हो ना सर? तुसी मानते हो ना human rights की violation की थी तुसी लोग कने? अर्शप्रीत please listen to me first. अर्शप्रीत सर सुन भी लो ना सर. सर सुन लो अर्शप्रीत जी. सुनने का मादा रखो. अर्शप्रीत जी सुनने का मादा रखो सर. सर तुसी एडमिट कर दो ना ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तुसी लोगों ने भी की है ता ही इनकी हिम्मत पै रही है नहीं मैं बिल्कुल नहीं एडमिट करता देयर हैज बीन नो ह्यूमन राइट वायलेशन डन बाय द कांग्रेस पार्टी बिकॉज़ वी आर नॉट इन पावर बीजेपी गवर्नमेंट इज इन पावर इज व्हाट यू नीड टू रियलाइज एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट प्रोटेस्टर्स हैव बीन पुट बिहाइंड बार्स दैट रिपोर्टर्स हैव बीन पुट बिहाइंड बार्स एंड देयर आर किसान हु आर मिसिंग नाउ उन्होंने मां बाप नहीं पता कि वो किसान किधर गए ने उन्होंने यह नहीं पता कि उन्होंने पुत जिंदे है कि नहीं एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्यों उन्होंने लाठीचार्ज किया जाता है क्यों उन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं करन दा मौका मिलता क्यों उत्थे सिंघू बॉर्डर ते तुहानू वॉशरूम नहीं जान दिता जाता टॉयलेट नहीं जान दिता जाता तुहानू पानी नहीं पीन दिता जान दिंदा थोनू जो तुसी नहीं बोल रहे एटलीस्ट कोई रिहाना कोई सेलिब्रिटी बोलना चाह रही है उन्हें ही नहीं कहा कि कुछ करो उन्हें सिर्फ एक है इस मुद्दे बारे गलबात क्यों नहीं हो रही ठीक MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैव बीन सो मच अफेक्टेड बाय दिस कि उन्होंने ये कहा कि दे डोंट हैव द रिक्विजिट नॉलेज प्रधानमंत्री साहब जेडे मोदी साहब ने कि वो लॉयर ने जो फार्म लॉज बारे डिस्कस डिबेट कर सकते हैं नो राइट खेमचंद शर्मा मेरे को आप बोलने देना 10 सेकंड इनको देना है तो दे दो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं बोलो खेमचंद शर्मा ये बोलो पार्टी है से पहली बार हमारे एक मिनट अर्शप्रीत जी प्लीज ऐसा ना करो अर्शप्रीत प्लीज ऐसा ना करो बेटा डिस्टर्ब ना करा करो प्लीज हां खेमचंद शर्मा आज तक हम उस परेशानी को भोग रहे हैं आज तक हम उस बीमारी को भोग रहे हैं अगर ये यूएन में उस प्रॉब्लम को नहीं ले जाते तो जम्मू कश्मीर का मैटर इस तरीके से हमारे देश के लिए बुरी तरीके से आप कह सकते हो परेशानी का सबब नहीं बनता वो कांग्रेस की देन है आइए फिर से यूएन की बात करते हैं एक मिनट प्लीज अर्शप्रीत इंटरवेंशन की करते हैं आइए फिर से मैं आपको बताऊं मियां खलीफा जैसे लोगों को कि वो हमारे किसानों के खिलाफ जो उन्होंने यूएन लगाई हुई है कि किसानों को सब्सिडी खत्म करो उसके खिलाफ बोले क्यों नहीं बोलते ठीक अरे राहुल गांधी हिम्मत है तो ट्वीट करो अपनी रिहाना जो आपकी मित्र है आपकी जो खलीफा मित्र है उनसे ट्वीट करो आप बोलो एक मिनट अर्शप्रीत आप क्यों इधर करते पे हैं खेमचंद शर्मा एक मिनट मैं इदा बोलन नहीं देना अर्शप्रीत जी मैं नहीं इदा बोलन देना सर इदा नहीं बोलन देना सर लीडर थे प्लस उनको भड़का है किसने कांग्रेस से ठीक है खेमचंद शर्मा ठीक है जवाब तो दे दीजिए अर्शप्रीत जी आपा क्यों बोलते पे अर्शप्रीत जी सर इदा टाइम नहीं मिला अर्शप्रीत जी ए मैं ब्रेक ले रहा ब्रेक तो बाद वापस आऊंगा तुम शांत हो जाओ इदा डिबेट नहीं होनी सर एक छोटा ब्रेक लवेंगे ब्रेक तो वापस आवेंगे डिबेट का एक डेकोरम होंगे सानू ओही डिबेट नहीं चाहिए जिंदे विच रोला होवे तुहानू कोई समझ ना आवे तुहाडे वास्ते असीं बैठे हाँ तुहानू समझ आनी चाहिए है ये कहिंदे आ रिहाना राहुल गांधी दोस्त है इहो जिहे इल्जाम लाए जा रहे हैं जिन्हां दा मैनूं लगदा सियासत तो अलावा होर कोई एजेंडा नहीं हैगा
जे कंक्रीट गल साडे सामने या तुहाडे सामने नहीं आऊगी तो असी कोई चर्चा नहीं कर पाऊंगे। ब्रेक तो वापस आके फिर कोशिश करूंगा इन्हां मेहमानों तो सवाल लै सके। सवाल असीं पुछ रहे किसान अंदोलन विदेशी हमायत ते एमई ने कि ताकत दिखाई। पैनल साडा मौजूद हैगा, ब्रेक दे विच भी बहस चलती रही है तो बहस में की कुछ हुंदा रहा मैनूं ज़्यादा दसने की लोड़ नहीं क्योंकि बहस तो पहले भी तुहानूं कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं कोशिश करूँगा तुहानूं समझ आ सके। अर्शप्रीत, बड़ा सीधा सवाल है, खेमचंद शर्मा ने चुकिया, रिहाना राहुल गांधी की दोस्त है, खलीफा राहुल गांधी दोस्त है, असल कनैक्शन की अर्शप्रीत, क्यों बोलना पै रहा उन्होंने? मैं आ रहा मानिक तुहाडे कोल आ रहा जी। पहली गल तो जी, देर इज नो प्रूफ, देर इज नो एविडेंस कि वह दोस्त ने जां उन्हां दा कोई कनैक्शन है। एक लुडिक्रस जी हासे वाली गल इन्होंने की है, आई डू नॉट ब्लेम द बीजेपी फॉर दैट बिकॉज दैट इज वॉट दे आर नोन फॉर। दूजी गल, रिहाना नूं क्यों लोड़ पई बोलन दी? उन्हें बोलिया यह है कि इस मुद्दे बारे गलबात क्यों नहीं हो रही है। मैंने कंप्लीट कर लेनी थी जे, प्लीज प्लीज। तो खेम जी सर इतना डिबेट नहीं चली सर, खेम जी इदा नहीं चली डिबेट। मुझे कंप्लीट खेम जी, आप क्यों बोलते पे हैं खेम जी, क्यों बोलते पे हैं? तुम्हें टाइम मिलेगा ना खेम जी, क्यों आप इदा करते पे हैं? इन्हें क्यों आप भावुक हो जाने भी मैं ही बोलना है? कृपा करो सर। हाँ बोलो अर्शप्रीत, अपनी गल पूरी करो फटाफट। थैंक यू जी। देखो जी, सोशल मीडिया अकाउंट्स जो लोग इस मुद्दे ते फार्मर्स प्रोटेस्ट ते बोल रहे सी, उन्होंने अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं बहुत लोगों के, एंड द ओनली थिंग दैट दे वर डूइंग वाज स्प्रेडिंग अवेयरनेस। किसान आप कह रहे सी कि गलत गल नूं स्प्रेड ना करो, सही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होनी चाहिए। उन्होंने दसिया आ पेज है ते कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने सपोर्ट किया। हालांकि मैं एक सिंपल जी चीज़ कहना चाहना, जे सरकार थोनों एक कोई भी बंदे नूं दवाई दूगी जिहड़ी थोनों लोड़ नहीं, तुसीं कि उहदे बारे कुछ करोगे नहीं, उहदे बारे कुछ बोलोगे नहीं, इह तां उह गल होगी सिर दुखदा नहीं। मैनूं कोई धक्के ना क्रोसिन खवा रहा है ते मैं इह वी ना कहां कि इह मेरे लई माड़ी है जां मैनूं नहीं चाहीदी। सो किसानां नाल अर्शप्रीत तुहानूं इह पता कि रिहाना जिथे एड्डी वड्डी स्टार है उस दे नाल उहदा कोई पोलिटिकल कनैक्शन भी हैगा? इस बारे कोई जानकारी दे सकदे हो तुसीं अर्शप्रीत? फॉरन तो सपोर्ट की है, उस सपोर्ट के नाल जिस तरीके नाल शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है तुहाडे खिलाफ भी यही शब्दावली का इस्तेमाल होया? बिल्कुल केपी जी, पहला मैं अपना खेमचंद जी का उन्होंने कहा सीगा भी ट्विटर अकाउंट भी कोई बीजेपी बंद नहीं करवाउंदी, इह कुछ कोई तुसीं कोई चीज़ इहो जिही जां उन्हां दे रूल्स दे अगेंस्ट जाने हो तां उह ट्विटर अपने आप बंद कर दिंदा। पर जिहड़ी ट्विटर ने ईमेल भेजी है ते मेरे अकाउंट दे उत्ते जां साडे जिहड़े किसान एकता मोर्चा दा अकाउंट है, साडा डायरेक्ट टू ट्विटर दा अकाउंट है, उहदे उत्ते इही लिखिआ रहा वड्डे वड्डे अक्खरां च कि यूअर अकाउंट हैज़ बीन विदहेल्ड इन रिस्पोंस टू ए लीगल डिमांड। मतलब लीगल डिमांड की थी सरकार की, मतलब तुसीं इह देखो भी इह ट्विटर ने लीगल डिमांड ते आइदर रिटन और किसी भी तरह की लीगल डिमांड ते इह बंद कीते सीगे, तां करके इह बिल्कुल क्लीयर है भी असीं किसी भी जिहड़ा उन्हां रूल है वायलेट नहीं किया। गवर्नमेंट ने साडे खिलाफ कंप्लेंट दिती है ते उस तों बाद जिहड़े ट्विटर हैंडल है इह विदहेल्ड होया। ते जिहड़ी तुसीं गल कही है रिहाना एंड ऑल दी, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵਨ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ CNN ਦੀ ਖਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹਨੇ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਟ੍ਰੋਲਸ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੰਬਰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਐਡੀ ਵੱਡੀ, ਹਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੋਗ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਧਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਓ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਰਿਹਾਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕਰ ਗਈ, ਕਿ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ, ਕਿ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ, ਕਿ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ।
ठीक 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 है। हाँ जी, हाँ जी। खेमचंद शर्मा, बहुत छोटा जहा सवाल है सर, छोटा जहा जवाब दियो कृपा करके दे सकते हो। सर बीजेपी आईटी सैल है जिहड़ा, जिस तो अगे ट्रोल आर्मी शुरू होंदी है सर, वो काम किवें करदा खेम जी? तुहानू तां बहुत तजर्बा इन्हां चीज़ां बारे, मैं तुहानू बहुत सालां जानदा खेम जी, तुसीं काम किवें करदे हो? कोई टॉल आर्मी नहीं है, मैं भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ, अपना खर्चा खुद से चलाता हूँ, नौकरी भी करता हूँ, उसके साथ पार्टी की सेवा करता हूँ, ऐसे ही हमारे। सर मैं खर्चे से सवाल नहीं किया खेम जी, मैं खर्चे से सवाल नहीं किया, मैं तो वर्किंग स्टाइल से सवाल किया सर। इन्होंने इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की वजह से इनका अकाउंट बंद हुआ, और खुद ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि लीगल, वो एक जनरल टर्म है जो ट्विटर भेजता है, उन्होंने कहीं भी लिखा नहीं कि बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीओआई की इंस्ट्रक्शन की वजह से आपका अकाउंट बंद हुआ है। तो झूठ बोलना बंद करें, झूठ फैलाना बंद करें। रही बात रियाना की, रियाना से कोई कनेक्शन नहीं होता, तो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर उनके ट्वीट को कोट करके आगे नहीं भेज रहे होते। ठीक है खेम जी, खेम जी ठीक है, खेम जी ठीक है, खेम जी ठीक है सर, खेम जी ठीक है सर, कृपया करके रुक जाओ सर, खेम जी सर रुक जाओ। सवाल ये है, किसाना जब किसानों की बात करती है तो वो अपने पीएम को कनाडा में ये क्यों नहीं कहती कि आप इंडियन किसानों के पीछे क्यों पड़े हो, आप उनकी सब्सिडी क्यों खत्म कराना चाहते हो, आप यूएन में अपने स्टैंड से पीछे हटो। आई अप्रिशिएट रियाना, और हम रियाना जब भारत में आएंगे उनको फैसिलिटेट करेंगे। अगर उनको हमारे किसानों की चिंता है तो जो बड़ा इशू यूएन में है, जो बड़ा इशू जिस देश में वो रहती है वहां की वजह से है, उसके खिलाफ बोले। We will also respect, right? दरबार से क्या है? ठीक ठीक है। कांग्रेस इतनी चुकी है देश को बदनाम करने के लिए, वो किसी का भी सहारा ले सकती है, ऐसे लोगों का भी सहारा ले सकती है जिनके करेक्टर, जिनकी हिस्ट्री, जिनकी जिनका जो काम है उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं किस तरीके का काम है। ठीक 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 है खेमचंद जी, खेमचंद जी ठीक है सर, खेमचंद जी ठीक है, ठीक है ठीक है। खेम जी कृपया करें चुप कर जा करो सर, जवाब दिया करो कृपा करके, जो है नहीं तो क्या करो, तुहाडा सवाल ठीक नहीं है सर। एक तो एमईए ने लिखा वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ फार्मर्स इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, बहुत छोटा ग्रुप है सर किसानों का जिन्हां तुसीं गलबात करदे हो, बहुत छोटा ग्रुप है खेम जी। आप अपना क्वेश्चन रिपीट करो। हाँ मैं गेट इट, हाँ मैं कह रहा सीगा एमईए दे बयान दे विच लिखिया है कि बहुत छोटा सैक्शन है किसानों का, तो छोटे सैक्शन ना क्यों गलबात करते पे हो फिर? बिल्कुल सही कहा है, हमारे देश में 12 से 13 करोड़ किसान परिवार हैं और 55 से 60 करोड़ हमारे यहाँ पे किसान हैं। ठीक 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 है ठीक है ठीक है। हाँ माने मैं आ रहा, हम आपको आप उसमें आप ये नहीं कर रही बात, रही बात किसानों के साथ सरकार जिस गंभीरता से, जिस शालीनता से, ठीक है सर, ठीक है करना चाहिए सर, गंभीरता देखते पे ना आप खेम जी, गंभीरता देखते आप ठीक ठीक है। बड़ा क्या प्रभु आपको कि मोदी जी ने किसान, ठीक है खेम जी ठीक है, थोड़ी गल आ गई सर, प्रचार कर ला पाने आप जवाब क्यों नहीं देते, प्रचार क्यों करते पे आप? हाँ मानिक एक मिनट प्लीज, हाँ मानिक अपना केपी जी इन्होंने कहा भी एक ट्विटर की लीगल टर्म है भी लीगल डिमांड, लीगल डिमांड असी भी सानू भी सोशल मीडिया चलाउंदे नू 12-15 साल हो गए, असी भी इहदे च काफ़ी इन्ना काम तक किया भी, मैंने अज तक कदे यह ईमेल नहीं आई भी लीगल डिमांड लिखा उन्होंने, उन्होंने यह नहीं कहा भी तुसी साडी जिहड़ी आ जिहड़े रूल्स उन्होंने मतलब उस तरह भी हुंदा, पर जिहड़ी अज लीगल डिमांड साडे जिहड़े किसान एकता मोर्चे की मोर्चे का ट्विटर हैंडल है, जो ट्रैक्टर टू ट्विटर का हैंडल है, जो मेरा परसनल हैंडल है, जिन्हें भी मतलब फार्मर की सपोर्ट कर रहे थे, सुशांत सिंह एक एक्टर ने वह फार्मर की सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी सेम ईमेल आई भी यूर अकाउंट हैज बिन विद हेल्ड इन रिस्पोंस टू ए लीगल डिमांड। उस तो बाद कल जो शाम को ट्विटर ने रिव्यू करके दोबारा चलाया भी इदा कुछ नहीं होया, तो दोबारा अकाउंट बहाल करते, तो अज दोपहरे फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्विटर नूं कहा भी तुसीं जिहड़ा इह इलीगल कीता गा तुसीं जिहड़े अकाउंट दोबारा चलाते आ, ते जे तुसीं साडे नाल ओह नहीं करोगे ते ओह तुसीं साडे नाल जे तुसीं साडे मुताबिक नहीं चलोगे तां उस ते दोबारा फिर इक उस ते कारवाई कीती जाएगी, उस ते सजा हो सकदी आ। तुसीं हुण भी कोई भी खबरां कढ के देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर ट्विटर नूं कहा जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद नहीं कराया तां दोबारा फिर इदां क्यों कहा भी थोड़े ते लीगल ओपन करदे अकाउंट्स? ठीक, अर्जी गुदारा सर, पहलां प्रोटेस्टर्स नूं इह कहा गया कि इह पेड है, कदे उन्होंने कोई टैग ला दिता गया सर, ये रिहाना हरी ज होर जो सैलीब्रिटी है जे सारा कुछ करते पे है, बहुत नाम मानी खरा ने भी गनाए है, अरजीव दारा ये भी पेड है सर, इन्हों कोई पेड पे कर रहा है अरजीव दारा?
सर बहुत दुख दी गल है, पहला तो सरकार जिस तरह कर रही किसानों नाल लगातार पहले दिन तो बहुत मंदभागी गल है, जिस तरह कूड़ प्रचार किया गया बहुत बहुत ही खराब है। देश के किसानों देश के लोगों इन्ना सम्मान सरकार नहीं दे सकती कि उन्होंने बारे उन्होंने इन्ना रिकोगनाइज कर ले कि उन्होंने दर्द ने सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह कानून पास करवाए गए, जिस तरह कानून लागू करने की कोशिश की गई, जिस तरह के हथकंडे सरकार ने अपनाए, जिस तरह हुण तुसीं देखो 26 तरीक नूं जिस तरह बदनाम करने की कोशिश की, हुण जिस तरह किला लाइया जा रही सारी फैसिलिटी खत्म की जा रही ने, पर इस तो उत्ते देखो तुसीं कि यह सारा कुछ करने तो बाद भी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन आते हैं टीवी चैनल से बैठते हैं तो बिल्कुल बेहयाई गल्लां करते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं, उन्होंने इन्नी इन्नी इन्ना भी लिहाज नहीं गा कि दूजी की गल सुन लैण। यह क्यों करता है बंदा इस तरह, बंदा लगातार उदो बोलता है जो कोई गल होंगी नहीं। खेम जी मैं आ रहा सर, आ रहा खेम जी चले जा रहे हैं, खेम जी आ रहे हैं तुहाडे कोल भी आ रहे हैं, खेम जी मैनू मैनू तुहाडे दोनों की कोई गल नहीं सुनती पई, आप सही शब्द का उपयोग करो, इनको सुनने एक मिनट अर्जीव दारा एक मिनट प्लीज, खेम चांद जी खेम चांद जी अर्जीव दारा मैनू तुहाडे दोनों की समझ नहीं आ रही तुसीं की कह रहे हो। अर्जीव दारा एक मिनट, खेमचंद शर्मा एक मिनट प्लीज, खेमचंद शर्मा अर्जीव दारा उन्होंने तुहाडे शब्दों से इतराज है, अर्जीव दारा जिहड़े तुसीं शब्द वरत रहे हो उन्होंने शब्दों से इतराज है उन्होंने, अर्जीव दारा सर मुझे इतराज है जिस तरह लगातार बोल रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूँ तो क्यों पीछे बोल रहे हैं ये, मैं इतने देर से बोल रहा हूँ एक बार बोलो, मैं हाँ बोलो अपनी गल पूरी करो, खेमचंद शर्मा आप क्यों खेमचंद शर्मा और मैं थोड़ा सवाल ले रहा हूँ, खेमचंद शर्मा क्यों नहीं आप रोकते पे, आपके पास कहने का कुछ नहीं दिया, ये बोलते चले जा रहे हैं, कोई दूसरा बोलते तब भी बोल रहे हैं। हाँ अर्जीव दारा आप अपनी गल पूरी करिए, मैं आ रहा हूँ मानिक एक मिनट आ रहा है, अर्जीव दारा अपनी गल पूरी करो फटाफट, मैं ब्रेक लेनी है, अर्जीव दारा बोलो। सर मैं यही कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और ये सरकार तीनों ने मिलकर एक खेल रचा है, इस देश से लोकतंत्र को खत्म करना है, इस देश में सब आवाजों को खत्म करना है, और जब ऐसा कर रहे होंगे तब जो भी जहां बोलता है उसके कभी ट्विटर अकाउंट बंद किए जाएंगे, कभी उनको पेड बताया जाएगा, कभी उनको किसी और तरह का नामकरण किया जाएगा, आपने जिक्र किया बिल्कुल सच है, कभी उनको खालिस्तानी बताया जाएगा किसानों को, कभी माओविस्ट बताया जाएगा, इस तरह का जो खेल कर रहे हैं और ऊपर से ऐसे लोगों को बैठाते हैं, ऐसे इस तरह के स्पोक पर्सन है, इस तरह के ट्रोल आर्मी है, वो सुनेंगे नहीं कि एक बात को भी, लगातार बोलते चले जाएंगे, ब्रेक में भी बोलते चले जाएंगे। अब हम आज यही देख रहे हैं, इत्मीनान से बात कीजिए तर्क से बात कीजिए, एक एक बात के बारे में बात कीजिए, आप जिस तरह के सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा है, जिस तरह के पोस्टर चलाते हैं, वो कौन चलाते हैं भाई, सरकार के पक्ष में अंधाधुंध तरीके से, और 150 किसान दिल्ली में गायब है उनका पता नहीं चल रहा, सरकार उसके बारे में नहीं बोलेगी, बाकी सब दुनिया की बातें कर लेंगी। चलो मैं एक छोटा ब्रेक, जब एतराज है मैं एक छोटा जहा ब्रेक ले लूँगा, ब्रेक तो वापस आऊँगा आखिरी हिस्से में असं होवे, मैं कोशिश कर रहा कि तुहाडे सवालों के जवाब लै सकाँ, पर उन्हां सवालों के जवाब के विचाले बहस है जी उस ली तो ही भटकाने की कोशिश की जा रही है, वापस आ रहे हैं ट्रैक से कोशिश करा। किसान अंदोलन देशी हमायत एमईए ने कि ताकत दिखाई, अर्शप्रीत एक बहुत सिंपल सवाल है, कांग्रेस का स्टैंड की है, इस कांग्रेस विदेशी दखलअंदाजी मानती है या नहीं, सिंपल सवाल है अर्शप्रीत। नहीं जी ये दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं है, हाँ। रिहाना ने अपनी एक्सरसाइज अपनी राइट नो एक्सरसाइज कीता जो कि उन्होंने एक सोशल मीडिया से पोस्ट पाई है कि किसानों की आवाज नु सुनिया जावे तो उते बोलिया जावे। मैं बस एक कंक्लूड करना चाहूंगा कह के कि देखो 26 नवंबर तो हुण तक प्रोटेस्ट चल रहे, 2 महीने उच बुजुर्ग बैठे है, औरतां बैठी है, बच्चे बैठे है, डेथ्स हो चुकी है, लेकिन उहदे बारे मोदी साहब ने एक ट्वीट नहीं किया, जदों की दूजे देशों के लोग करन लग गए, यूएन कर रहे, यूके कर रहे, उन्हां दी पार्लियामेंट डिबेट करन वाली है, बट बीजेपी ने ट्वीट नहीं किया। दूजी गल ये है कि मोदी साहब नू दिक्कत की है एक ट्वीट आपदे खेमचंद जी जिहड़े फार्मर्स की डैथ हुई है नहीं उस मामले सर तुसीं एक भी ट्वीट नहीं करते उदों तुहाडी ट्रोल आर्मी कित्थे चली जाती है खेम जी। देखिए पहले तो कोई ट्रोल आर्मी जैसी चीज हमारे यहाँ पे है, सब लोग पहले अपना काम करते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं,
नोबडी पेड मैं आपको ऑथेंटिक तरीके से सर खर्चे की गल क्यों कर दे बार बार मैं खर्चे वाला सवाल ही नहीं करता मैं तो सिंपल सवाल कर दिया खेम जी ये ट्रोल आर्मी से कार्रवाई करो ना सर जेडे तुहानू बदनाम करी जाती है तुहानू बदनाम करती भी ट्रोल आर्मी है कार्रवाई करवाओ जिम्मे इन्हों से कार्रवाई करवाई इन्हों का अकाउंट ही विदहल्ड करता जिम्मे कार्रवाई हो रही है ना कार्रवाई सब पे हो रही है कार्रवाई सब पे हो रही है हजारों अकाउंट बंद हुए हैं वो सिर्फ हजारों अकाउंट कांग्रेसियों के नहीं है वो सभी के हैं अब मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए कांग्रेस अपनी हिस्ट्री के अनुसार फिर से इस मुद्दे का आप देखेंगे ग्लोबलाइजेशन करना चाहती है फिर से इसको यूएन में ले जाना चाहती है जिस तरीके से वो कश्मीर के मुद्दे पर ले गए थे वैसे ही यूएन में ले जाना चाहती है ठीक है सर ठीक 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 है खेम जी पॉइंट आ गया सर पॉइंट आ गया खेम जी पॉइंट आ गया सर खेम जी पॉइंट आ गया खेम जी पॉइंट आ गया सर कैनेडा में कनाडा में अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी करते ठीक है पूरी कांग्रेस रैना के नाम पे ऐसे सेलिब्रेट कर रही है कि उन्होंने हमारे देश ठीक है खेम जी काम किया है खेम जी ठीक है थोड़ा पॉइंट आ गया खेम जी नु म्यूट कर दो प्लीज खेम जी नु म्यूट कर दो ऐसा नहीं चुप कर दे माने गोयल माने गोयल माने गोयल तुम कह रहे थे कि तुहाडे अकाउंट के उत्ते भी स्ट्राइक पई है विदहेल्ड किया गया जिहड़ा बीजेपी ने इल्जाम लाया है कि कांग्रेस इस मामले नू यूएन तक ले जाना चाहती है तुसी ट्रैक्टर टू ट्विटर जरिए भी यूएन तक अप्रोच की थी उसका खमियाजा तो नहीं भुगत रहे तुसी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जी देखो जेडे भी साढ़े अकाउंट्स ने गए चाहे टीम्स ने गए चाहे किसान एकता मोर्चा चाहे साड़ी टीम है ट्रैक्टर टू ट्विटर या जेडे भी प्रो फार्मर मतलब टीम्स ने गए जेडियां मतलब किसानों लई आवाज थोड़ी बंद हो कले सपोर्टर थोड़ी बंद हो कहते बंद हो जवाब दोगे बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं मेनु एक भी प्रो 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 बीजेपी अकाउंट कल का दिखाओ जो कल की स्ट्राइक के बंद होया हो इन रिस्पोंस टू अ लीगल डिमांड इन रिस्पोंस टू अ लीगल डिमांड वो बिल्कुल नहीं होया होना खेम जी प्लीज छोटी जी गल होर दसनी चाहना खेम जी प्लीज एदा ना करो खेम जी बोलन दो प्लीज सानू अब दीवारी तक बोलन देता करो प्लीज हां खेम जी एक मिनट रोजो सर खेम जी अपन टाइम बहुत वेस्ट कर दे पे जाएगी उसके बाद ही रिप्लाई करोगे ना हां हां मानिक बोलो मैं बोला था आपके बीच में नहीं बोला ना आप प्लीज बोलने दीजिए हां तो क्या अपने केपी जी एक गल और ऐड करनी चाहूंगा जो रेहाना ने ट्वीट किया उस तो बाद पूरे वर्ल्ड चो एक्टिविस्ट हो गए अपने एक्टिविस्ट हो गए है ना ह्यूमन राइट्स दे एक्टिविस्ट हो गए क्लाइमेट एक्टिविस्ट हो गए इन्ने एक्टिविस्टां ने जो इस फार्मर दी फार्मर जिहड़ा अंदोलन हैगा उहदी सपोर्ट च आ गए तो बीजेपी ने की किया बीजेपी का मैं तुहानू अज शाम का करा दसदा इन्होंने की किया जिहड़े साढ़े प्रो प्रो बीजेपी जिहड़े बॉलीवुड एक्टर्स ने उन्होंने लाइनअप किया सुनील शेट्टी जी ने ट्वीट किया सरकार के हक च उन्होंने टैग किया हितेश जैन हितेश जैन कौन है बीजेपी का वाइस प्रेजिडेंट है महाराष्ट्र का हूँ मतलब साफ ही है भी जो हितेश जैन टैग करके पोस्ट पा रहे सुनील शेट्टी तो हितेश जैन वालों कह गया भी ट्वीट करो मतलब ऐसा लाइनअप करके कोशिश कर रहे हैं उस तरीके ठीक है बहुत बड़ा सवाल अरजीव गुजारा कंक्लूडर रिमार्क्स चाहिए थोड़े तो अरजीव गुजारा जिस तरीके हम बॉलीवुड इस मैदान में कूद चुके हैं किसानों के मामले तो पहला किसान कहते हैं कि जो बॉलीवुड वाले है जो फिल्म बनाते हैं इतने आ के वो क्यों नहीं बोलते पे पर वो तो जी बोली बोलते पे उस बोली के विचाले सिर्फ सानू देखता पै वो एजेंडा जोड़ा एजेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है इंडिया टूगैदर वाला राष्ट्रवाद वाला इस तरीके तैयार किया जा रहा है कि बाकी तो सब जो किसान उत्थे अंदोलन कर रहे हैं वह तो गदार है अरजीव गुदारा जी बोलन की आजादी सारियां नूं है सारियां नूं बोलना चाहिए सारियां दा हक है बिल्कुल साफ बोलना चाहिए कि वह किसानों के मुद्दे के नाल ने या खिलाफ ने उन्होंने दसना चाहिए कि सरकार जी किसानों के खिलाफ इस तरह के कानून लिया के कारपोरेट का हित साधना चाहती है पूरे देश की किसानी खेती उन्होंने हाथों से सौंप देना चाहती है वो हक च कौन है खिलाफ कौन है साफ बोलना चाहिए पर सरकार की करना चाहिए सरकार ज्यादा संवेदनशील होकर ज्यादा संवेदना किसानों गल करनी चाहिए है जो लोग बोलते हैं एक पासे मैं क्या कि बोलने का अधिकार सारे बोलना चाहिए परंतु जो कोई किसानों के हक च बोलता है सरकार के खिलाफ बोलता है उदो सरकार बोलने की आवाज आवाज बंद कराने जिस तरह कंडे अपनाती है वो इजाजत नहीं दी जा सकती एक गल होर इतने सामने आई कि कैनेडा जो है सबसिडी से सवाल चुके हैं मैं पूछना चाहना कि वह सबसिडी से सवाल करके तीन कानून आए ने या कि वह सबसिडी बाकी देशों से नहीं मिलती कि सरकार क्यों फेल है फिर क्यों इतने मांग की जाती है कि उसे प्रधानमंत्री को कोई होर कवि ट्वीट करके कि वह सवाल उठावे कि वह सबसिडी से सवाल ना चुकन फिर सरकार की इतों की सरकार की इन्नी फेल हो चुकी है
जे इतों की सरकार इस हद तक फेल हो गई है, जे सरकार इतों के लोगों की गल नहीं सुनती तो इस देश के लोगों का हक है, उन्होंने अधिकार है कि देश दुनिया के आपकी आवाज उठा उठाएंगे। जे इस तरह सरकार ना मनी तो लोगों को आपकी आवाज उठानी ही पैनी है, पीसफुल तरीके जिन्नी तेजी जिन्नी उच्ची आवाज उठा सकते हैं दुनिया के ले जाने की गल है वह ले जाएंगे। इस तो पहला कि यूएनओ तक किसानों जाने वास्ते मजबूर होना पवे, सरकार को आवाज सुननी चाहिए है। अंबानी अडानी वर्गे कारपोरेट के हक से खड़े होने की जाए, किसानों के हक से खड़े हो गए, इस देश के जल जंगल जमीन को बचाने वास्ते सोचना चाहिए है। जे सरकार दे विच थोड़ी संवेदना थोड़ी संवेदना बची हो विचार करना चाहिए। खेमचंद शर्मा जी, तुहानू रिहाना जां जिहड़े होर सैलिब्रिटी हैगे तुहानू भी पेड़ लगते पे है, रिहाना रिहाना वर्गे सारे स्टार। खेम जी लास्ट कमेंट सर थोड़ा। देखिए सर, मुद्दा क्या है, हमारे किसानों को एम्पावरमेंट, हमारे किसान और यूके के किसान, यूएस के किसान, कनाडा के किसान एक तरीके के नहीं है, वहां पे मशीन है, वहां के इक्विपमेंट है, वहां पे उनके पास सपोर्ट है। हमारे किसानों को सब्सिडी देना जरूरी है क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास सशक्त नहीं है, उनके पास मशीन नहीं है, उनके पास साधन नहीं है, छोटे किसान है। अब मुद्दा क्या है कि यूएस और आपके बड़े बड़े यूके या कनाडा जैसी कंट्री हमारे पीछे पड़ी हुई है कि हम अपने किसानों को सब्सिडी क्यों देते हैं। अगर रिहाना वास्तव में हमारे किसान की है तो जो मूल समस्या है उस पर बात करें, उनको तो एक लाइमलाइट चाहिए था, उनको एक अटेंशन चाहिए थी। लाइमलाइट सर किसानों नाल मिलूगा सर, उन्होंने लाइमलाइट किसानों नाल मिलूगा सर। खेम जी क्यों ये गल्लां करदे पे आपां, ईद मना रहे हैं, सरकार मदद करने काम करती है क्या? लाइमलाइट उन्होंने अपने प्रधानमंत्री नाल डबल फॉलोअर ने लाइमलाइट की सब्सिडी देते थे करके ब्याज पे, क्या इसलिए कम करते हैं सरकार ने? तो अब बीच में आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि सरकार ने जितनी संवेदनशीलता, चलो मेरे को टाइम होना है नहीं गा, मेरे को टाइम होना है नहीं गा, आप जरा जरा जवाब देना सर, वो दिन देनी है ना आप, हाँ चलो मेरे को वक्त नहीं है गा, वक्त वक्त नहीं है, ठीक है, मैंने हम कोई समझ नहीं आ रहा, तुम आपस की गल कर दे पे हो। चलो बहुत धन्यवाद मानिक, मैं अखीर भाई तुम्हें टाइम नहीं दे सकया, माफ करना अरजीव द्वारा तुम्हें भी नहीं टाइम दे सकया, माफ करना। बहुत धन्यवाद खेमचंद शर्मा तुहाडा, अर्शप्रीत तुहाडा बहुत धन्यवाद, मानिक तुहाडा बहुत धन्यवाद, अरजीत तुहाडा तुहाडा बहुत धन्यवाद। वक्त की कमी है पर सवाल बहुत सारे करने होर भी बनते सीगे, पर इन सवालों के विचाले जिहड़े जवाब नहीं मिल पा रहे इहदा मतलब दर्द किते हो रहा, जो दर्द हुंदा तो फिर उदों कोई भी ट्वीट करता तो वह दर्द का जिहड़ा टेंशन बन जाता है, तो इस टेंशन के विचाले जदों इहो जिहे बयान आउण, इन्हां बयानां दे विचाले पॉलिटिक्स का जिहड़ा अपना एजेंडा सैट करे तो सानूं समझना पवेगा। पर असल में जिहड़ा मुद्दा हैगा खेती कानून का, उसनूं डीरेल करन की कोशिश है, असल में जिहड़ा मुद्दा हैगा किसानां दे दर्द का, उसनूं डीरेल करन की कोशिश है। जिहड़ा सारा लाल किले वाला एपीसोड होया 26 तारीख नूं, वो मुद्दा भी सारे मुद्दे नूं डीरेल करन दे लई वार वार उछालिया जा रहा, वो बहुत गलत होया, बहुत गलत घटनाक्रम सी, वो उहदी निंदा करनी बनती है, पर उस मुद्दे नूं सारे किसानां ते थोपना एक एजेंडा भी हो सकता है। इस करके सानू समझना पवेगा कि जिहड़ा भी सोशल मीडिया ते जां किते भी बैठा कोई हमायत कर रहा है उहदा मकसद की हैगा, उहदा एजेंडा की हैगा, उस एजेंडे नूं जे समझ जाओगे तो सानू समझ आ जाए कि ह्यूमन एंगल की गल हो रही है जां पोलीटिकल इंटरफेरेंस की गल हो रही है जां देश के अंदरूनी मामले दखलदाजी की गल हो रही है। जो सारे चीज़ों असी परख के देखांगे तो समझ आएगी, तो ही सानू समझ आएगी कि बहस नूं भड़काउण की कोशिश क्यों होंदी है, बहस नूं उदों भड़काया जाता जो तर्क नाल जवाब ना हो। बहुत धन्यवाद।